आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर अलीगढ़ से आ रही है। यहाँ एक जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से महानगर में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जबकि उनके अन्य 9 साथी जमातियों और मस्जिद के इमाम साहब को क्वारंटाइन कराया गया है। साथ ही 1 किलोमीटर परिधि के इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। सैनिटाइजर की तो मानो इस क्षेत्र में बरसात ही की जा रही है। बताते चलें कि जनपद फिरोजाबाद निवासी इमरान सहित 10 जमाती अलीगढ़ आए। बीती 12 मार्च से ये जमाती गोविंद नगर मक्खीवाला रोड स्थित फैज मस्जिद में ठहरे हुए थे। उनके ठहरने की सूचना जब अलीगढ़ प्रशासन को हुई तो उनके सैंपल जांच हेतु भेजे गए, जिसमें 22 वर्षीय इमरान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खबर से प्रशासन के साथ साथ गोविंद नगर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से कोरोना पॉजिटिव इमरान को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। अलीगढ़ से पत्रकार अकरम भाई के साथ कैमरामैन रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोविंद नगर से लगे डीपी मोड़ दिल्ली गेट, ट्रक मार्केट चौराहा, बुधपुरा चौराहा, मखदूम नगर समेत 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समूचे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वहीं फैज मस्जिद को पूरी तरह सैनिटाइजर से नहला दिया गया है। मस्जिद की दीवारें, फर्श, छत, बाथरूम आदि कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई यहाँ सैनिटाइजर ना उड़ेला गया हो। इधर तो ले लिया ना। कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसके साथियों को क्वारंटाइन कराना, सही बात है, दूसरों को हिदायत दी जाती है। सैनिटाइजर का छिड़काव, सभी कार्य पुलिस की मौजूदगी और देखरेख में किए गए।
यहाँ शाहजहाँ में आ चुके हैं जिला अधिकारी महोदय। खबर मिलने तक प्रशासनिक अधिकारियों का इस क्षेत्र में आना जाना लगा हुआ था। बताया गया है कि इन जमातियों का मरकज वाले जमातियों से कोई लेना देना नहीं था। फैज मस्जिद का ये क्षेत्र कोतवाली थाना पुलिस चौकी तुर्कमान गेट क्षेत्र में आता है। पत्रकार अक्रम भाई के साथ कैमरामैन रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी भी यहां पर लगे हुए हैं। पूरे एरिया में पूरे सैनिटाइजर किया गया है। 12-13 दिन यहीं रहना है। और लोग मस्जिद में थे, फिरोजाबाद की जमात है, 10 साथी हैं। एक महीने पहले फिरोजाबाद से चली थी, सीधा अलीगढ़ आई है। अलीगढ़ से जवाब मस्जिद से कहीं नहीं, 1 किलोमीटर के एरिए में ही जमात रही है। 1 से 2 किलोमीटर के एरिए में, कहीं बाहर में भी, कहीं से जमात नहीं। चेकअप वगैरह हुआ था, सब नॉर्मल आया था। अब पता नहीं परसों गए थे, परसों फिर एक बंदे का कहा कि थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या नाम है उनका? जिनका जैसे यहाँ रह रहे हैं, इमरान नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद। कौन से मोहल्ले के? मोहल्ला मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ का पड़ोसी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, उनका मोहल्ला। कितने टीम, कितने लोग थे तकरीबन इसमें? 10 लोग थे। 10 लोग इनमें से कोई मरकज गया था दिल्ली से या कोई आना? मरकज नहीं गया, सीधा फिरोजाबाद से अलीगढ़ जमात आई है। सर के पास सब चीज है। इस कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्यवाही शुरू की। जिला अधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव इमरान फिरोजाबाद का रहने वाला है। वह 12 मार्च को अलीगढ़ आया था और 30 मार्च से होम क्वारंटाइन था। शुरू में इमरान में कोरोना जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। CDO स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी हैं। उन्हें मूलभूत कार्यवाहियां करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मरीज को L1 अस्पताल CSC हरदुआगंज में भर्ती किया गया है। उसके साथ के 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उन 9 लोगों को छेरत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया है। नगर निगम द्वारा घर घर को सैनिटाइज करने की कार्यवाही की जा रही है। घर घर में डोर टू डोर होम डिलीवरी की जाएगी, जिसके लिए ADM वित्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। घर-घर जाकर के सबका सील किए गए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला अधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन का पालन जिम्मेदारी से करें, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PPD खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PPD खबर। अलीगढ़ से पत्रकार अक्रम भाई के साथ कैमरामैन रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।